नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं प्रदेश की बड़ी खबरें। ये मशीन में इस्तेमाल होने वाले सूत के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए दुकानदारों ने मशीन का सूत स्टॉक कर मनमाने रेट में बेच रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों ने छानबीन करने का निर्देश दिया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने दुकान में गड़बड़ी देख दुकान को सील कर दिया और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। हनौरा गांव में पिछले दिनों आग लगने से 9 परिवारों का घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया था, जिसे देखते हुए अस्पताल परमानंदपुर खगड़िया के प्राचार्य डॉक्टर विवेकानंद ने सभी अग्नि पीड़ित परिवारों को घर बनाने के लिए छप्पर पहुंचाकर पीड़ितों को दुख बांटने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रधानाचार्य का आभार भी व्यक्त किया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मोर्चा रोड इलाके में तबलीगी जमात के सदस्य के छिपे होने की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई, जिसके बाद कड़ी पूछताछ में पता चला कि इलाके में आए हुए नए सदस्य मधुबनी जिला निवासी हैं और वो अपने परिवार के साथ अपने ससुराल आए हुए हैं और लॉकडाउन की स्थिति के कारण वहाँ रह रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही वो अपने परिवार के साथ वापस लौट जाएंगे। वहीं पुलिस की माने तो सभी लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि सभी ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में अपना जाँच करा लिया है। जिले के ईश्वरपुर प्रखंड में ब्रिटेन से आए एक युवक में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं रिपोर्ट आते ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संक्रमित व्यक्ति से सटे लगभग 3 किलोमीटर तक के रास्ते को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और लॉकडाउन का पालन करने के साथ ही अपने घरों में लोगों से रहने की अपील की गई। खगड़िया के मानसी प्रखंड के मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गया और पटना से आए मजदूरों को रखा गया है। क्वारंटाइन में मजदूरों ने अधिकारियों पर दोहरा नीति करने का आरोप लगाया है। यहां रह रहे मजदूरों का कहना है कि दिल्ली जैसे शहरों से आए लोगों को क्वारंटाइन में नहीं रखा गया है, जबकि हम लोग जो गया और पटना से आए हैं उन्हें क्वारंटाइन में बंद कर दिया गया है। साथ ही मजदूरों ने बताया कि वहां रहने की जो सुविधा है वो बहुत ही खराब है। मुंगेर में जिलाधिकारी राजेश मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभी तक मुंगेर में 260 लोगों का कोरोना जांच के लिए ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसमें से 7 लोगों की सैंपल पॉजिटिव मिली है, जबकि बाकी लोगों का केस निगेटिव पाया गया है। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आप सब लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को जारी रखें, तभी हालात पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों को 6 लोगों की तबीयत के सुधार की भी जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत सिरिसिया पंचायत में कोरोना को दूर भगाने और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए मुखिया इतवारी देवी के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहां दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूरों को सरकारी स्कूल में रखा गया है, जहां उनको खाने रहने और सोने की पूरी व्यवस्था की गई है। मुंगेर में भाजपा किसान मोर्चा के नेता संजीव मंडल द्वारा अलग अलग राज्यों से आए लगभग 400 गरीब और बेसहारों के लिए राहत सामग्री बांटी गई। साथ ही पीएम के संदेश को लोगों तक पहुंचाया और कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रहने की भी लोगों से अपील की। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसमें प्रखंड के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कोरोना वायरस रूपी महामारी से निपटने के लिए संबंध में चर्चा की गई। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर राशन उपलब्ध कराने की भी बात हुई। इसके अतिरिक्त निःशुल्क 5 किलो चावल और प्रति कार्ड पर 1 किलो दाल भी दिए जाने को तय किया गया। रोहतास जिले के विक्रमगंज में मजदूरों की विशेष विनती पर डीएसपी ने मानवता का परिचय देते हुए खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराया। साथ ही उन्होंने मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा कि आगे भी मजदूरों को खाद्य आपूर्ति की जाएगी। चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने 3 लालटेन चौक से किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा को केमिकल से सैनिटाइज कर किया गया। इस दौरान नगर सभापति ने भी कहा कि उच्च शक्ति के मोटर के माध्यम से प्रेशर पाइपों को जोड़कर मुख्य सड़क के साथ साथ नब की 39 वार्डों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने खाद्यान्न आपूर्ति मामले में गड़बड़ी देखकर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पारू और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गायघाट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के संबंध में बड़ी संख्या में जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन में शुरू हुई दिहाड़ी और बेसहारा लोगों के लिए पटना सिटी में समाज सेवियों ने बीड़ा उठा लिया है।
यहां जिम्मेदार लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दलित बस्ती में जाकर गरीबों को भोजन कराया और कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज 11 और खुद स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।